TA15 from batch A1. 10 minutes. 10 minutes. गुड इवनिंग एवरीवन, ये हमारी कंपनी का ऑफिस जो कि यूजलेस एम्प्लॉयज से खचा खच भरा हुआ है और यहाँ हमारे चीफ सेफ्टी ऑफिसर गरीब खान और हमारे सीईओ डीजे माल्या के बीच में बहुत ही गंभीर बहस होते हुए आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सर, हमारे पास कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे सारे वर्कर्स देखे हैं, हमारे सारे वर्कर्स बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के काम कर रहे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखो, आज तक इस कंपनी में एक भी सेफ्टी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, आगे भी नहीं पड़ेगी। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन फिर भी सर, सेफ्टी तो जरूरी है ना। क्यों थक रहे हो? जस्ट चिल। चल तुम भी चलो, तुम आगे देखेंगे। कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लाए गए, सब जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा और एक दिन उसी बीच एक हादसा होता है। इस एक्सीडेंट में उस वर्कर की जान तो नहीं गई पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई और ये सब देखकर इसके इल्जाम से बचने के लिए डीजे माल्या भाग गया। हेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी माल्या इंडस्ट्रीज के सामने खड़े हैं जहां अभी अभी एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है और माल्या इंडस्ट्रीज के सीईओ डीजे माल्या विदेश भाग चुके हैं। चलो आइए हम अपने वर्कर से पूछते हैं कि उनके इस बारे में उनका क्या कहना है। बोल दे भाई, छोड़ मेरा माल्या के साथ था तो। अरे यार, अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम अब मैं मिटा के रहूंगा। मैं सारे देश से ऐसे वर्कर्स ढूंढूंगा जिन्हें सेफ्टी का सी भी नहीं आता और उन्हें सेफ्टी सिखाऊंगा। आइए देखते हैं कौन कौन है। सेफ्टी का सी। बाय बाय बाय। और मैं सनी हूँ सनी, मेरे को सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं है, मैं डर खड़ता हूँ हाथ से। शट अप, यू शट अप। आप सेफ्टी के इक्विपमेंट के बारे में कुछ जान लो। ऐसी दिखती है एक प्रॉपर वर्कर, सेफ्टी वर्कर दिखती है। ये होती है एक हार्ड हैट। हार्ड हैट का मेन काम होता है तुम्हें छोटे मोटे, जी हाँ हैट, उनका काम होता है तुम्हें छोटे मोटे पत्थरों से बचाने का, ठीक है। और पत्थर बड़ा हो तो, पत्थर बड़ा हो तो भगवान ही बचाए। फिर आती है तुम्हारी आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है, ये इंडस्ट्रीज में तुम्हें धूल धक्कड़ से बचाती है, साथ में अगर कोई केमिकल हो तो उससे भी बचाती है। आगे आगे सन्नाटा क्यों है इतना? तुम्हारे भी है, तुम्हारी हालत ऐसी ना हो जाए इसके लिए ये जरूरी है। बर्फ क्यों पड़ रही है? तुम्हें अलग से पहचान में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं तुम्हारे ये बूट्स। बूट्स तुम्हें, हाँ जूते, हार्ड सोल वाले जूते, ये नॉर्मल जूते नहीं होते, ये तुम्हें नील से बचाते हैं, कॉन्क्रीट वगैरह में तुम्हारे पैर फंसने से भी बचाते हैं। ऑल क्लियर, गुड, लेट्स गो। आइए देखते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में न्यूज चैनल वालों का क्या कहना है।
Okay, wait. We have a breaking news coming in. There is another industrial accident. Let us take you there. Yes, Arnab. There is an accident here. Let us talk to some workers about the situation here. So how did it happen and what is the condition here? देखिए यहाँ पर किसी को कोई चोट नहीं लगी है. गरीब खान ने हमें सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए थे और हम इस बार बच गए हैं. ओए गरीब खान पाजी की जय हो. तो देखा आपने, जरा सी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखने के बाद और सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद आपकी जान कितनी आसानी से बचाई जा सकती है. इसी तरह अगर हम सेफ्टी का ध्यान रखें तो ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होने की बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाती है. ठीक है, थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.